तो ये देखिए फेरी वालों के बातों में आ गए, मतलब ये बच्चे थे रिक्वेस्ट करने लगे कि खरीद लीजिए अंकल जी खरीद लीजिए, तो इन्होंने खरीद लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और ये देखो ये क्या हुआ? आ रही हूँ। अरे दीपू का एग्जाम चल रहा है तो उनको फोन चाहिए। और ये देखिए किशन कवर इन्होंने दो दो ले लिए हैं। ये फेरी वाले घूमते जो है ना, इनसे क्या कहते हैं, इनको बस कोई बोल दे तो बस लेना ही है, है? मैं कह रही थी जाने तो रहने तो, अभी तो ऑनलाइन मंगाया था लेकिन पसंद आ गए और सही रेट पे मिल भी गए तो बस ले लिए हैं। और अभी सुबह का सारा काम हो गया है, हालत तो बुरी है लेकिन खा पी लिए, नाश्ता वास्ता हो गया है। और क्या करना है, फोन चाहिए? बोला क्यों नहीं, पहले ही बोलना था, अभी इनको फोन दे दूं। क्या करोगे, जमा करना है? तो अभी शाम का समय हो गया है और शाम की चाय बन रही है, साथ में पानी गर्म किया है पीने के लिए। और ये इन्होंने डेयरी से गाय की भैंस के जो बच्चे देते हैं तो उसको खुजरी हम लोग के गांव में बोलते हैं, पर यहाँ और लोगों के यहाँ अलग अलग नाम बोला जाता है, खीस और पता नहीं क्या क्या। तो वो लेके आए थे तो मैंने कहा आज यही बना देती हूँ। खुजरी बन चुकी है और ठंडी, सच में क्या बताऊँ, रोज वही ठंडी, रोज वही ठंडी। ये देखो सब आ गए हैं खुजरी खाने के लिए। फोन भी आई है, फोन के लिए नहीं, यहाँ भी कैमरा लगा रहता तो आप किसी को नहीं देख पाते कि सारे लोग कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं। चाय हो गई है, पानी गर्म हो गया है, खुजरी कटोरी दो, निकालो जल्दी जल्दी, देव घुसे पड़े हैं कंबल में। मैंने तो आपको चाउमीन की डिमांड, बाहर ऐसी बारिश हो रही है ठंडी, डिमांड किसी और चीज, चाउमीन चाहिए रखी थी, बना लो गरम गरम बनाती है क्या, जूस थोड़ी पी, मेरा जूस पियो, स्नैक्स का टाइम है, ये स्नैक्स ही है आज, आज का स्नैक्स है, मुझे ले लेते ठंडा, गरम गरम खाओ। और जो मेरा चिपका बोलो वो भी निकलेगा। बस बस ठंडी में सबसे बड़ा काम बर्तन धुलने का लगता है, बर्तन पड़े हैं, जो जिसको बर्तन मिल रहा है उसी में बस ले लेकर सब निकल ले रहे हैं। चम्मच मिलना है, चम्मच तो इन लोगों को मटर दे दी है, बैठे बैठे टीवी देख रहे थे तो मैंने कहा बैठे बैठे मटर भी छील ही लो। और यहाँ पे उस दिन जो चाय और ये चाय वगैरह बनाने के लिए दी थी तो अभी ये बनवा के लेके आ गए हैं, मार्केट में भीगते ही, पानी बारिश बंद नहीं है और उसी में भीगते हुए गए हैं और ले आए हैं मटर छील ले तो कुछ बनाया जाए। तो ये दोनों कुशन कवर हैं, मैंने आप लोग को अच्छे से दिखाया नहीं था क्योंकि उस समय दीपू को फ़ोन चाहिए था, पीडीएफ बना के जमा करना था, पेपर होने के बाद जब जमा करते हैं। और यहाँ पे ये कपड़े दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, जैसे कपड़े नए बसते हैं उससे बनाया जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसकी सिलाई थोड़ी सी मुझे मजबूत नहीं लग रही थी, वही देख रही थी, मुझे लग रहा था इस पर मुझे खुद से डबल सिलाई कर दूंगी, नहीं बीच में जब खुलने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो ठीक है, इन्होंने पसंद कर लिया था, ले लिया था तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ये कुछ चीज लेके आते हैं मैं बाद में चिल्लाती हूँ नहीं ठीक नहीं है ये है वो है, पर मैंने कहा नहीं बोलना चाहिए, कोई नहीं किसी का भला हो जाए। वो बच्चे खुश हो गए जब ले लिया था। और मैंने शायद रेट नहीं बताया, 250-250 के ये पड़े थे दोनों ही। और उसके बाद ठंडियों के कपड़े पूछिए मत, आप लोग भी ऐसे ही परेशान होंगे ना कि ठंडी में कपड़े कितने हो जाते हैं रखने के लिए, समझ में नहीं आता है। मैंने कहा पहले कपड़े समेट लेती हूँ, कल के भी पड़े हैं और आज के भी हो गए थे। और ये देखिए छत पे आ गए हैं और बारिश हो रही है, बारिश ने तो इस बार तंग कर दिया है, इतनी ठंडी इतनी गलन और उसमें बारिश पे बारिश होए जा रही है। लहसुन की पत्तियां ये बारिश में ही गए हैं लेने के लिए क्योंकि मन हो गया था कुछ चटपटा सा बनाने का, तो लहसुन की पत्ती और मिर्च धनिया तो है, धनिया तो नहीं लेंगे और वही चाहिए था। तो ये अपना बोले तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है मैं जाता हूँ ले आता हूँ, तोड़ रहे थे
और मैं छाता लेके आई हूँ तो चल दिए हैं, तो लहसुन की पत्तियां तोड़ ली हैं। आज बनने वाला है, अभी आप लोग देखेंगे क्या बनाने वाले हैं हम लोग। छाता रख देती हूँ यहीं, क्यों तो यहाँ पे धनिया मिर्ची और लहसुन की पत्तियां पीसनी थी, तो बनेगा तलखा या फिर चटपटा भी बोल सकते हैं। तो बोले कि मैं ही आज बना देता हूँ, मुझे आता है, जब मम्मी मतलब सासू माँ मेरी बनाती थी तो बोले मैं देखता था, मुझे याद है मैं आज बनाता हूँ। तो मैंने कहा रहने दो, मैं बीच में मतलब लगी हुई थी साथ में, मुझे नहीं अच्छा लगता इनसे। और यहाँ पे मिर्च दे रही थी, हरी मिर्च हम लोग क्या कहते हैं हाथ में नहीं देनी चाहिए, तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने कहा हाथ में नहीं दूंगी, नहीं लड़ाई, वैसे ही लड़ाई होती पति पत्नियों में तो लड़ाई होती ही है, और लड़ाई होगी। फिर मैंने नहीं दिया, इन्होंने पेस्ट बना के रख दिया। उसके बाद आलू, बोले मैं काट रहा हूँ आलू, काट के रख दिया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बोलते बोलते लास्ट में मैंने इनको हटाया, मैंने कहा मैं बनाऊंगी। तो इसमें इन्होंने कोहड़ौरी ऐसे ही खाने के लिए डाली है, इसकी जरूरत नहीं होती, जो ये बड़ी डली हुई है आप इसकी जरूरत नहीं है, ये तो इनका मन था तो डाल दिए हैं। बाकी जीरा, सिर्फ तेल में जीरा डाला है थोड़ा सा, और जीरा डालने के बाद इसमें जो आलू कटे हुए हैं, ये नए वाले आलू होते हैं ना, थोड़े मोटे मोटे से काट के डालने होते हैं। वैसे तो एक बॉयल आलू वाला बनता है और ये किए कच्चे आलू का काट के बनता है, तो आज कच्चे आलूओं वाला बन रहा है। और इनको तेल और जीरा डालने के बाद बस आलू और मटर को डाल देना है और थोड़ी देर इनको चला देना है, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, उसके बाद इसमें जो हरा धनिया, लहसुन की पत्ती और मिर्च पीस के रखा है वो डालेंगे। और लहसुन की पत्ती नहीं है तो सिर्फ मतलब लहसुन डाल सकते हैं आप छील के उसकी जगह पे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देना, इसमें कोई भी मसाले नहीं डालने होते हैं, और बस इसी हल्दी जो हमने डाला है पेस्ट बना के, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब इसी से पका लेना है इसको, और इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है नमक डाल के। ये बढ़िया सा हरा हरा सा चटपटा, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी। और दीपू को तो ये सबसे फेवरेट है, उनको गांव की कोई रेसिपी याद हो ना हो, ये वाली रेसिपी वो कभी नहीं भूलेंगी। कहती हैं उनको ठंडियाँ आते ही शुरू हो जाता है, जब मटर देखेंगी, जब होगा तो मम्मी वही चटपटा तलखा, मम्मी बनाओ, कब बनाओगी। तो आज उनके फेवरेट फिर से बन गए हैं। यहाँ पे बस आलू और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के मीडियम आंच पे पका लिया है, धीरे धीरे से धीमे आंच पे थोड़ा सा। और आलू जैसे ही आलू पक जाए बस तैयार है, चटपटा बन गया है, सबकी प्लेट लग रही है। और आज एक पंत दो काज किया है, क्योंकि देर हो गई थी शाम को काफ़ी, तो हमने कहा आज रोटी भी सेक देते हैं, जिसको रोटी खानी है इसी से खा लो एक दो रोटी, अब और कुछ नहीं बनाया जाएगा, काफ़ी लेट हो गया है। तो सब तैयार हो गए, तो फिर यही बना था, और ये लीजिए आप लोग भी टेस्ट करिए कैसा बना है ये चटपटा। तो पहले बच्चों लोगों को दे दिया गया है, और इस समय हीटर जो है यही सहारा बना हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने जब आग जलाई थी चौथ वाले दिन और नीचे ले आ लिए थे बाद में, मैंने कहा जल रहा है बढ़िया, तो इतना धुआं हो गया था घर में कि क्या बताऊं, जबकि जलती हुई लकड़ी थी, इसलिए घर के अंदर तो रख नहीं सकते और बाहर बैठ के तापने की हिम्मत नहीं, बाहर वैसे भी बारिश हो रही है, तो बस हीटर जलता है। और यहाँ पर ये एक नेपाली दोस्त हैं इनके, उन्होंने एक घास बताई थी ये छोटी छोटी सी, और सर दर्द के लिए मेरे, कि सर दर्द में आराम हो जाएगा इससे भाप लेने से, तो ये लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि जब बहुत मतलब परेशान होना तो कोई कुछ भी बताता है, हमें लगता है कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे सब खाना पीना दूध वगैरह देना सारे ही काम हो गए हैं, बर्तन किचन, और मैं बस इसमें गर्म करके लगी हूँ, और काफ़ी देर मैंने भाप ली है, क्योंकि सर दर्द तो आए दिन होता ही, मैं बता के आप लोग को भी बहुत परेशान कर दी हूँ, अब नहीं बताऊँगी, जब बर्दाश्त के बाहर होगा तभी आप लोगों से मैं बताऊँगी। तो सारे काम हो गए हैं और फुर्सत हो गई हूँ, तो स्टीम भी मैंने ले लिया, भाप ले लिया, देखिए कितना आराम होता है। और ये देखिए,
इनका ये इक्की दुक्की तो सूख गया था। एक दिन इसको क्या किया था, मनी प्लांट इसमें लगाया था इन्होंने, इक्की दुक्की इसका नाम लिख उगेगा वो भाई, उगेगा अभी जिंदा है वो, ऐसे में फलों से बुरा लगे तो ये देखिए अब मैं जान है कह रही है, एक दिन धूप लगवाने से ये सूख गया था, दो पत्ते थे। यूट्यूबर ने बताया मनी प्लांट का पौधा। तो ये लोग आज गए थे मार्केट और ये देखिए एक नया प्लांट लेके आए हैं। रू हिला दिया आपने उनकी, इसका सो रहे थे बेचारे, बोलिए क्या भूकंप आ गया क्या कर रहे लोग इंसान। कहीं नहीं भूकंप लाई हूँ, दिखा रही हूँ अपनी फैमिली को कि नया प्लांट लेके आए हैं जो कि इंडोर है। अब देखते हैं इसका क्या होता है, इन लोग इसको जिला पाते हैं कि इसको भी उसके इक्की दुक्की की तरह सुखा देते हैं। सुखाना मत इसे है, ठीक है। तो चलिए अब लेटने का टाइम हो गया है और रेस्ट करने का भी टाइम हो गया इस ठंडी में। कंबल से अच्छा और कुछ नहीं है, रजाई कंबल में घुस जाओ तो वही सबसे अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मेरे वीडियो ब्लॉग देखने के लिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।